नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान हैं, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे, तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन बिगड़ना होता है और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है, जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहता है। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इसे नवीकरणीय प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाएं, पेड़ पौधों का आवरण कम हो, तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। भूजल का स्तर रिचार्ज प्रभावित होता है। धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो, तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं। परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इस कारण नदियां अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते देखते नदियां गंदे नाले में बदल जाती हैं। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है, तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग, रिसाइकिल या पुनः चक्रित करना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाएं और उनके प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया चलती रहे। अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का प्रयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वे उतने नवीकृत हो पाएं। इसी प्रकार, यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा है, तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा। अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएंगे? भूजल का नवीकरण चक्र किस तरह काम करता है? हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए? तालाबों में मछलियों का नवीकरण किस तरह होता है? हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए? रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है। वे अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए, धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले, तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे, तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे?
विश्व भर में ये भंडार अगले 53 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं। जैसे जैसे भंडार कम होंगे, इसके भाव बढ़ेंगे, तो भारत पर इनका विपरीत असर पड़ेगा। यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें। उदाहरण के लिए, खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते, वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्जा जमा लें ताकि उन्हें संसाधनों की कमी ना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है। कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता है, किंतु एल्युमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। पता करें कि देश में सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? धातु के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है?